आम आदमी पार्टी सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को इसे लेकर पत्र भी लिखा है। इस बीच भाजपा नेता की तरफ से भारत रत्न को लेकर एक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय के सामने हम अभी मौजूद है। इन लोगों का प्रदर्शन मार्च यहाँ से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तक जाना था, लेकिन पुलिस की यहाँ पर तमाम बंदोबस्त है, पुलिस बैरिकेटिंग करके इन्हें रोक दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ मुद्दा है आप लोगों का, क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि पीछे आपने देखा होगा, परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो पर्यावरण को लेकर के काफ़ी पीछे एक्टिव रहे हैं और उनके खिलाफ भाजपा के नेताओं ने कुछ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है, उसी के विरोध में आज हमारी आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति की पूरी इकाई और उत्तराखंड की इकाई आज हम लोग यहाँ पे मोदी सरकार के विरोध में और जिन नेताओं ने इस तरह की अभ्रंश भाषाओं का इस्तेमाल किया है एक ऐसी व्यक्ति के लिए जिसने पर्यावरण के रूप में उत्तराखंड में काफ़ी कार्य किया है, उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। यहाँ अगर आप देखिए तो प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। बैरिकेड पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो चढ़ रहे हैं, पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, नेता जो है, बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सामने बीजेपी का मुख्यालय है, वहाँ तक ये लोग जाने वाले थे प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहीं पर रोक दिया। और यहाँ पर पुलिस वालों की भी भारी संख्या है, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो लोग भी यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, तो उन लोगों से भी हम बातचीत करने की कुछ कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार हमारे साथ है, जो यहाँ पर ये प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्यों आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जिस प्रकार से नवीन जिंदल ने उत्तराखंड के गांधी सुंदरलाल बहुगुणा जी का अपमान किया है, उससे आज पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा है, उत्तराखंड के लोग शर्मिंदा है। और आम आदमी पार्टी उनसे ये कहना चाहती है कि आप समय रहते माफी मांग लीजिए, आपने अपमान उत्तराखंड के लोगों का नहीं किया, आपने अपमान पूरे हिंदुस्तान के लोगों का किया है। जो भी लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी को, जिन्होंने उत्तराखंड के जंगल जीवन को बचाने के लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, जीवन भर उत्तराखंड के लोग उन्हें गांधी के नाम से जानते हैं, आप उनके बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि तुरंत इस्तीफा दें और माफी मांगे। अगर ये माफी नहीं मांगी गई, आज तो इतना सांकेतिक है, लेकिन लड़ाई बहुत आगे चलने वाली है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, कहीं ना कहीं दिल्ली के जरिए उत्तराखंड को संदेश और संकेत देने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ी है, उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खड़ी है, सुंदरलाल बहुगुणा के साथ खड़ी है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहाँ पर उत्तराखंड में खासतौर पर चुनावी तैयारियों में जुटी है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की है, ताकि उत्तराखंड में अपने आधार को और मजबूत किया जा सके। उत्तराखंड के जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं खासतौर पर, उनमें से जितने लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी दिखी। और यहाँ पर ये उग्र प्रदर्शन कहीं ना कहीं इसका संकेत है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड भी जाने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इसका क्या कुछ असर होता है, क्योंकि इसी मुद्दे पर सामने भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया, उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान किया है, लेकिन इस तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के चुनाव जब तक आते हैं, अगले साल जब उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, उस समय तक यह मुद्दा कहाँ तक जाता है, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्या कुछ रखती है। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।